कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों जिस तरह से फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए न सिर्फ मोदी सरकार के होश उड़े पड़े हैं, बल्कि बीजेपी नेताओं के भी पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि राहुल गांधी की नज़र गांधी परिवार के गढ़ पर है। जिस तरह से राहुल गांधी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसे देख कर ऐसा लगता है कि राहुल न सिर्फ गांधी परिवार के गढ़ पर एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराना चाहते हैं, बल्कि वो यहाँ की जनता को भी इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि गांधी परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेठी वासियों की मदद के लिए दवाइयों की 10,000 किट भेजी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी जी द्वारा इस मेडिसिन का उपयोग कोरोना मरीजों के लिए किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल गांधी अमेठी वासियों की मदद के लिए जरूरत का सामान और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर विपक्ष पर झूठे आरोप लगाने में व्यस्त हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अमेठी वासियों की मदद कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि यहां से स्मृति ईरानी की छुट्टी तय है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।